नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। पिछला जो दो वीडियोस था बहुत ही क्रोध के साथ, एंगर के साथ मैंने बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। सरकार जिस चक्रव्य में लोगों को डालना चाहती है, लोग भी बेचारे अभिमन्यु की तरह चक्रव्य में पड़ के मर जाते हैं। मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए मैंने गुस्से के साथ वो दो वीडियो बनाया था ताकि लोगों को कुछ समझ में आए, सरकार को कुछ समझ में आए क्यों कर रही है सरकार ऐसी, लोगों की जान क्यों ले रही है। इसीलिए मैंने ये दो वीडियोस बनाया था। लेकिन आज जो वीडियो है बिल्कुल सही तरह से मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा था कि ये जो ऑक्सीजन का सिलसिला है क्या है। हर जगह पर, हर न्यूज़ चैनल में, हर फेसबुक अकाउंट में ये सुनने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के कारण लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन का अभाव है, उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं दिया गया इसलिए वो मर गया। तो ये चक्कर क्या है ऑक्सीजन का? मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा था कि जो हमारे फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र करता है निचले स्तर पे, जहाँ पे एल्वियोली होता है, पेड़ के जैसे पत्ते होते हैं वैसे उल्टी दिशा में ये भी होता है ब्रांचेस, और अंत में नीचे की तरफ जो एल्वियोली होती है वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र होता है। बाहर से ऑक्सीजन जाता है और अंदर से जो मेटाबॉलिज्म से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सचेंज होके फिर बाहर निकलता है सांस के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? जब हम लंबी सांसें नहीं ले पाते, आधा अधूरा सांस लेते हैं, उससे क्या होता है कि पूरे फेफड़े खुलते नहीं हैं, जितने भी एल्वियोलीस है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती और चंद एल्वियोली तक ही पहुँचती है और बाकी जो है वो बंद होके रहती है, और जो बंद होके रहते हैं लंबे समय तक वहाँ पर विघटन होना शुरू हो जाता है, वायरस वैक्टीरिया वहाँ पर अटैक करने लग जाती है। क्योंकि किसी भी जगह पर कोई भी बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर काम में ना आए तो वो नष्ट होने लगता है, ये आपको पता है। अगर आप ये छोटी सी उंगली भी बहुत दिनों तक काम ना करके उसको बांध के रख देंगे तो ये नष्ट होने लगेगा। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर वायरस वैक्टीरिया का अटैक होने लगेगा। ठीक वैसे ही हमारे फेफड़ों के अंदर भी होता है। अगर वो लंबे समय तक हम डीप रेस्पिरेशन नहीं होगा, हम लंबी सांस नहीं लेते, आम तौर पर अपने काम में इतना बिजी रह जाते हैं हम सांस भी ठीक तरह से नहीं लेते, आधा अधूरा सांस लेते हैं और वो बस यहाँ तक जाता है, और बाकी का जो ये फेफड़ा है यहाँ पर जो भी एल्वियोली है वो नष्ट होने लगता है। मैक्सिमम लोगों का यही हाल है, उस कंडीशन में वहाँ पर नष्ट होके वो एल्वियोली काम करना बंद कर देता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो नष्ट हो जाती है। कुछ लंग्स में तो फाइब्रोसिस हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है बहुत, और इस कंडीशन में बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप बाहर से ऑक्सीजन भी देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो नष्ट हो चुका है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो कोरोना का पेशेंट हो, चाहे किसी भी तरह का निमोनिया हो, जो आमतौर पर एक कंडीशन बताया गया है जो मौत हो रही है, कोई भी किसी भी तरह का कंडीशन क्यों ना हो, अगर उस पेशेंट का लंग्स का कंडीशन ठीक नहीं है, उसने डीप सांस नहीं लिया है, उसने कभी भी अगर प्राणायाम नहीं किया है अपनी ज़िंदगी भर, उसके फेफड़े वीक है, आप कितना भी ऑक्सीजन ले लो, लिमिटेड एल्वियोली जो ओपन रहता है, अगर आप ऑक्सीजन उसको दे भी देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसका उल्टा असर करेगा, उसके एल्वियोलीस फट भी सकती है, काम करना बंद भी कर सकती है, जो लिमिटेड है वो भी काम करना बंद कर सकती है, और यही हो रहा है वेंटिलेटर्स के थ्रू। जब वेंटिलेटर्स में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम होता है, जब आप एक्सेस ऑक्सीजन वहाँ पर दे देंगे तो लिमिटेड जो एल्वियोली है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और उस इंसान की मौत हो सकती है, यही हो रही है। तो ऑक्सीजन कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आप अपने जो ब्रीदिंग, जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको ठीक करें, प्राणायाम करें, रोज करें, एटलीस्ट सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा करें, फेफड़ों को मजबूत रखें, और मैक्सिमम आपके जितने भी एल्वियोली है जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है वो खुलने चाहिए। अगर वो खुलेंगे तो आपके चारों तरफ तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरा पड़ा है, लेने की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और किसी हॉस्पिटल के ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी भी जो अटेंडेंट के आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, क्योंकि आपके चारों तरफ भगवान ने ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन भरा पड़ा है आपके चारों तरफ, उसके अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, बस आपके फेफड़ों को स्ट्रांग होना चाहिए।
रोज प्राणायाम करें, एटलीस्ट सुबह आधा घंटे से एक घंटा, शाम को आधे घंटे से एक घंटा, और उसके साथ मैं कुछ होम्योपैथिक दवाओं का भी बता देता हूँ, क्योंकि आमतौर पर लोग बस दवाओं के ताक में रहते हैं। अगर आपके फेफड़े वीक है, वहाँ पर कफ वलगम जमा हुआ है, नष्ट हो गया है, निमोनिया वगैरह हो गया है, तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, जैसे कि एंटीमटाट हुआ, काली बाइक्रोमिकम है, इपिकाक है, कार्बोवेज है, ब्लाटा ओरिएंटालिस क्यू, एस्पिडोस्पर्मा क्यू, पोथोस क्यू, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कि आपके फेफड़ों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद एक्सपेरिमेंट ना करें, किसी भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रॉपर एज और डोज के हिसाब से आप उसको लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी रिकवरी होगी। और एक्सपेरिमेंट ना करें, खुद मनमर्जी दवाइयों को लेकर किसी भी ऐसे चैनल्स में जहाँ पर मनमर्जी कहा जाता है कि आप एक दवा 5-6 महीने तक लेते रहें, ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जो हमारे पास केसेस आते हैं, वो बोल रहे हैं कि एक दवा 200 में हो, 30 में हम 4-5 महीने से ले ही रहे हैं, उससे क्या होता है, बीमारी ठीक तो नहीं होता और भी बढ़ जाता है, तो ये भूल कभी ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।